जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि गर्मी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में फ्रेंड मेरी दुकान पे इस टाइप की जो मोटर मार्केट में मिलती हैं इनकी डिमांड बढ़ चुकी है। मेरे पास काफ़ी सारे लोग इस टाइप की मोटर खरीदने आते हैं मेरी दुकान पे। तो कल मैं मार्केट गया था और मार्केट से ये सारी मोटरें मैं खरीद के लाया हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं मोटर के बारे में बताऊँगा कि कौन सी मोटर कितने वोल्टेज पर काम करती है, कैसी इसकी स्पीड है और सबसे बड़ी बात कि होलसेल में ये मोटर मुझे कितने रुपए की मिली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ। काफ़ी सारी मैं मोटर लेके आया हूँ अलग अलग साइज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की काफ़ी सारी मोटरें हैं जो कि मैं मार्केट से लाया हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक तो मैं ये वाली लेके आया हूँ मोटर, ये आप देख सकते हो काफ़ी पॉपुलर मोटर है। और ये जो मोटर होती है ये हमारी 3 से 5 वोल्टेज पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती है। और यहाँ पे इसको चपटी मोटर बोला जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में इस मोटर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास चपटी वाली बड़ी मोटर है और इसी तरीके की देखिए ये मेरे पास छोटे साइज की मोटर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटे साइज की है। देखिए डिजाइन इनका सेम ही है, डिजाइन अगर आप देखोगे तो सेम ही डिजाइन है, लेकिन ये छोटी वाली मोटर है और ये बड़ी वाली मोटर है। दोनों की दोनों हमारे 3 से 5 वोल्टेज पे काम करती हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको इसकी स्पीड भी टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं ये वाली राउंड वाली भी मोटर लेके आया था। यहाँ पे इसके कुछ पीस लिए हैं मैंने, राउंड वाली है और इसमें राउंड वाली एक बड़ी भी आती है, मैं आपको दिखा दूँ। इसी के अंदर ही होगी ये, देखिए ये देखिए ये हमारी, देखिए राउंड में ये हमारी छोटी मोटर है और ये हमारी बड़ी मोटर है। तो इस तरीके से कुछ पीस मैं इसके छोटी वाले के लाया हूँ, कुछ इसके लेके आया हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरे पास ये 12 वोल्टेज की मोटर है। ये हमारे 6 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेज में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती है, लेकिन इसको ज़्यादातर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं। वैसे तो ये सारी मोटर हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज होती हैं और छोटे मोटे फैन भी आप बना सकते हो। उसके अलावा देखिए मेरे पास एक 12 वोल्टेज की मोटर है, ये देखिए ये 12 वोल्टेज की मोटर है और ये मोटर हाई स्पीड मोटर होती है, एकदम फ्रेश मोटर है। बस रखे रखे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, आपको लग रहा होगा कि पुरानी मोटर है, लेकिन आप देख सकते हो इस पर अभी भी कहीं पर भी सोल्डरिंग वगैरह नहीं हुई है। तो ये एकदम फ्रेश मोटर है, बस रखे रखे कुछ इस तरीके से इसका रंग ऐसा लग रहा है कि ऐसे पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये एकदम फ्रेश मोटर है। तो यहाँ पे मैं 5 मॉडल की मोटर लेके आया हूँ और एक एक करके मैं आपको इसकी स्पीड भी चेक करा दूँ। तो इन मोटर को देखिए, ये जो छोटी वाली मोटर है इनको हम इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी से बड़े आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक को मैं थोड़ा सा चला के आपको दिखा दूँ और साथ में देखिए मैं पंखड़ी भी यूज करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा स्पीड का आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले हम इस छोटी वाली मोटर को इसके अंदर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने पंखड़ी को लगा लिया मोटर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टाइप की कोई भी लिथियम आयन बैटरी हो इसके साथ में आप इस टाइप की मोटर को चला सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको अब चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, बिल्कुल फुल स्पीड के अंदर ये हमारी मोटर काम कर रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम कर रही है। और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी वीडियो के अंदर, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको आवाज़ भी सुनाई दे। तो फुल स्पीड में ये हमारी मोटर काम कर रही है। अब इस तरीके से ये जो हमारी इससे बड़ी वाली है इसकी थोड़ी सी स्पीड और तेज़ आपको मिलेगी। तो इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसको मैंने लगा दिया। अब इसकी भी स्पीड मैं आपको चेक करा दूँ, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी बड़ी वाली मोटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी और तेज़ है। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको लग रहा होगा कि मोटर धीरे धीरे घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, फुल स्पीड में हमारी मोटर काम कर रही है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको चेक करा दिया। इसको भी आप इसी बैटरी से चला सकते हो और इसी तरीके से ये जो राउंड वाली है, ये छोटी वाली, इसको मैं टेस्ट करा रहा हूँ। ये छोटी वाली है गोल वाली मोटर हमारी, और इसको भी हम देखिए आपको चला के दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल फुल स्पीड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्रेश मोटर है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस टाइप की ये जो चारों मॉडल है की मोटर हैं, इनको आप इस टाइप की 3.7 वोल्टेज की किसी भी बैटरी से चला सकते हो, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये वाली जो मोटर है ये हमारी 12 वोल्टेज वाली है, तो मैं एक बार 12 वोल्टेज की बैटरी ले लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 3 लिथियम आयन बैटरी को जोड़ के एक 12 वोल्टेज की बैटरी बना रखी है। तो इससे देखिए मैं आपको इस मोटर को चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले ये राउंड वाली मोटर को चेक कराता हूँ जो कि काफ़ी हाई स्पीड है इस मोटर की। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ ना, आप देख सकते हो जैसे इसको लगा रहा हूँ तो इस तरीके से आपको बहुत ही तेज शोर भी सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए बहुत ही हाई स्पीड की मोटर होती है 12 वोल्टेज की, बहुत ज़्यादा इसके आरपीएम होते हैं। आरपीएम तो मैं करेक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कितने आरपीएम है, लेकिन बहुत तेज चलती है। तो अगर आप कोई 12 वोल्टेज की बैटरी वाला फैन बनाना चाहते हो ना, तो आप इस मोटर का अगर यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी हवा मिलेगी, क्योंकि इस मोटर की स्पीड है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको अब रखेंगे साइड में
और उसके बाद ये वाली जो मोटर है इसको हम लगा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके की होती है। इस मोटर की भी स्पीड बहुत तेज होती है। ये मोटर पुराने टाइप के जो टेप रिकॉर्डर आते थे कैसेट वाले, उसके अंदर ये मोटर हमारी यूज होती थी, लेकिन इसके अंदर आपको शोर ज्यादा नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की होती है। एक बार मैं आपको पंखड़े लगा के दिखा दूँ, अगर ये लग जाए तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया और उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, तो बहुत ही तेज़ इसकी स्पीड है। आप देख सकते हो 12 वोल्टेज की ये मोटर है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। आपको आइडिया लग गया होगा इसकी आवाज़ से। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लगा के और आपको माइक को पास में ले जा के दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया मोटर है, बहुत तेज़ी से घूम रही है। तो यहाँ पे हम इसकी वायर को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मोटर भी बहुत स्पीड के साथ में घूम रही है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अब चलिए मैं आपको इनका प्राइस बता दूँ कि कौन सी मोटर मुझे कितने रुपये की मिली है। तो ये जो 12 वोल्टेज की मोटर है ना फ्रेंड, ये वाली मोटर मुझे मिली है 50 रुपये पर पीस के हिसाब से मिली है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लोकल मार्केट में इस मोटर का क्या प्राइस है। उसके बाद ये वाली जो मोटर है, ये वाली मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 80 रुपये की एक मोटर मिली है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी लोकल मार्केट में ये मोटर कितने रुपए की मिलती है। तो इस तरीके से फ्रेंड, इसकी भी स्पीड बहुत ही तेज होती है। मेरे पास इसके नाप की पंखड़ी नहीं थी, नहीं तो मैं आपको ये मोटर भी चला के दिखाता, क्योंकि इस पंखड़ी के साथ में थोड़ा सा डर है, ये पंखड़ी निकल के मेरी आंख में भी लग सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है इसकी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो छोटी वाली गोल वाली मोटर है, ये मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 13 रुपए पर पीस के हिसाब से मिली है। और इसी की जो बड़ी वाली मोटर है, ये मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 15 रुपये पर पीस के हिसाब से मिली है। और उसके बाद ये जो बड़ी वाली चपटी वाली मोटर है, ये मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 17 रुपये पर पीस के हिसाब से मिली है। और ये वाली जो छोटी वाली मोटर है, ये मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 8 रुपये पर पीस के हिसाब से मिली है। तो इस तरीके से फ्रेंड, मैंने आपको सभी मोटर का प्राइस बता दिया। बाकी आपके लोकल मार्केट में इनका क्या प्राइस है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।